लेकिन टॉपिक हमारा चल रहा है व्यक्तिगत एवं समूह प्रक्रिया के दौरान। आज हमारा सब टॉपिक है समूह परामर्श, यानी कि आज हम समूह परामर्श के बारे में पढ़ेंगे कि समूह परामर्श होता क्या है और उसके अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि समूह परामर्श का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। समूह परामर्श, समूह का मतलब तो आप जानते ही हो कि ग्रुप में, यानी कि समूह में जो 5 से 10 व्यक्तियों का या 5 से 10 से अधिक व्यक्ति भी समूह में हो सकते हैं। तो परामर्श की जो प्रक्रिया है, परामर्श की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि परामर्श की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में आजीवन चलती रहती है। जीवन पर्यंत परामर्श की प्रक्रिया चलती रहती है। निर्देशन प्रक्रिया, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग के रूप में परामर्श को स्वीकार किया जाता है, यानी कि जो परामर्श की प्रक्रिया है वो निर्देशन का एक प्रमुख अंग है। किसका अंग है? निर्देशन का। तो निर्देशन के एक प्रमुख अंग के रूप में परामर्श को स्वीकार किया जाता है। परामर्श प्रक्रिया का प्राय व्यक्तिगत माना जाता है, यानी कि परामर्श प्रक्रिया को केवल व्यक्तिगत ही माना जाता है, यानी कि परामर्श प्रक्रिया को प्राय यानी सामान्यतः व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता है। प्राचीन काल से परामर्श की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि प्राचीन काल से परामर्श की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के मध्य चलती आ रही है, जैसे एक तो परामर्शदाता और एक परामर्श प्रार्थी। वर्तमान समय में मनुष्य के विकास के लिए, यानी कि मनुष्यों को आगे, व्यक्ति को आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए, व्यक्ति को आगे चरमोत्कर्ष पर बढ़ाने के लिए, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय क्षेत्र में, अपने 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 शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, समय एवं धन की बचत करने के लिए, समय और धन की बचत हो, यानी कि समय और धन की बचत करने के कारण समूह परामर्श की अवधारणा का उदय, यानी कि समय एवं धन की बचत करने के लिए, समय एवं धन का सदुपयोग करने के लिए समूह परामर्श की आवश्यकता है, समूह परामर्श की प्रक्रिया का उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसका प्रमुख कारण, यानी कि समूह परामर्श का प्रमुख कारण परामर्श प्रार्थियों की समस्या तथा योग्यताओं में समानता का होना है। यानी कि समूह परामर्श का प्रमुख कारण क्या है? समूह परामर्श का प्रमुख कारण है कि परामर्श प्रार्थी, यानी कि जो भी परामर्शदाता से परामर्श ग्रहण कर रहा है, परामर्श प्राप्त कर रहा है, उसकी समस्या तथा योग्यता, यानी कि उसकी क्षमता तथा उसकी योग्यता में समानता होना आवश्यक है। समूह परामर्श उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है जिनकी समस्या एक हो, यानी कि समूह परामर्श में एक से अधिक व्यक्तियों को समूह परामर्श दिया जाता है, और समूह परामर्श में समस्याएं एक होनी चाहिए, यानी कि उन सभी व्यक्तियों की, उस पूरे समूह की समस्या एक होनी चाहिए, तभी समूह परामर्श प्रदान किया जा सकता है। साथ में समूह परामर्श की स्थिति ऐसी होती है, समूह परामर्श की स्थिति ऐसी होती है जिसमें आकार को भी देखा जाता है, यानी कि समूह का आकार कैसा है उसको देखा जाता है, साथ में पूरे समूह की समस्या क्या है उसको देखा जाता है। साथ में ये है, इसके अतिरिक्त ये है कि जो समूह प्रक्रिया है, यानी कि जो समूह परामर्श है, वो समूह परामर्श एक नवीन अवधारणा है, एक नवीन प्रक्रिया है। यह पद्धति ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, यानी कि जो समूह परामर्श है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है जो किसी न किसी कारण से व्यक्तिगत परामर्श से पिछड़ जाते हैं, या जिनको व्यक्तिगत परामर्श में सफलता प्राप्त नहीं होती है। यानी कि समूह परामर्श में व्यक्ति की समस्या तो एक होती है, यानी कि सभी पूरे समूह की समस्या एक होती है, और पूरे समूह की समस्या को एक या दो परामर्शदाता उस पूरे समूह की समस्या को निदान करने के लिए या उसको सुझाव देते हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं हम समूह परामर्श का क्या अर्थ है। समूह परामर्श के अर्थ से तात्पर्य है, समूह परामर्श
प्रकार समूह परामर्श के अंतर्गत एक ही प्रकार की योग्यता वाले परामर्श प्रार्थियों की एक ही प्रकार की योग्यता वाले अनुसार परामर्श की समूह परामर्श की परिभाषा श्री कृष्ण दुबे के अनुसार समूह परामर्श परामर्श प्रक्रिया समूह परामर्श का आशय
समस्याओं और आवश्यकताओं में क्या हो, एकरूपता की स्थिति हो। सेकंड डेफिनेशन दी है आपकी श्रीमती आर के शर्मा ने। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार है कि समूह परामर्श के अंतर्गत एक ही प्रकार की योग्यता वाले, जो जो श्री कृष्ण दुबे के अनुसार जो डेफिनेशन है उसी का थोड़ा सा ये रूप है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये है। तो समूह परामर्श के अंतर्गत एक ही प्रकार की योग्यता वाले, एक ही प्रकार की योग्यता वाले यानी कि समूह में जितने भी सदस्य हैं, समूह में समूह प्रक्रिया के दौरान जितने भी सदस्य समूह परामर्श के समूह परामर्श को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी योग्यता एक ही प्रकार की हो। परामर्श प्रार्थियों की समस्याओं का समाधान समूह में किया जाता है, यानी कि एक ही योग्यता वाले परामर्श प्रार्थियों की समस्याओं का समाधान समूह में किया जाता है। और इनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं में आवश्यकता भी एक हो, समस्या भी एक हो, योग्यता रखने वाले हो, कार्यकुशलता भी एक हो, इन सभी में